नमस्कार दोस्तों, विश्व की प्राचीन नगरी काशी से ग्रैंडपा गार्डन इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको देखिए, सामने अपराजिता का पौधा है। अपराजिता, इसका नाम नीलकंठ भी है, विष्णु प्रिया है, विष्णु कांता है। अपराजिता को ही गोकर्णी भी बोलते हैं। तो दोस्तों, आपके यहाँ जो भी नाम से अपराजिता को बोला जाता हो, लेकिन यह बहुत ही सुंदर फूल का पौधा है और इसको अपने घर में लगाना बहुत ही शुभ है। दोस्तों, जैसा नाम सही प्रतीत है, विष्णु कांता और विष्णु प्रिया, यह फूल जो है इसका भगवान हरिनारायण विष्णु को बहुत पसंद है और भगवान भोलेनाथ के अभिषेक में भी इस फूल का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, अपराजिता का फूल आमतौर पर दो रंग का होता है, एक नीले रंग का होता है और दूसरा सफ़ेद रंग का होता है। पूजा के काम में हम नीले रंग का भी फूल इस्तेमाल करते हैं और सफ़ेद रंग का फूल भी इस्तेमाल करते हैं। और इस सफ़ेद रंग के फूल का एक विशेष उपयोग तांत्रिक लोग करते हैं। ये तंत्र क्रिया में इस सफ़ेद फूल के पौधे का तांत्रिक लोग बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। तो दोस्तों, वास्तु के हिसाब से अगर अपराजिता के पौधे को हम अपने घर में लगाएंगे तो हमारे घर में सुख समृद्धि आती है, नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर से बाहर निकलती है और सकारात्मक ऊर्जा घर के अंदर प्रवेश करती है। दोस्तों, वास्तु के हिसाब से इस पौधे को, अपराजिता के पौधे को लगाने का जो नियम है, तो हमें इस पौधे को ईशान कोण में लगाना चाहिए। ईशान कोण बहुत लोग नहीं जानते होंगे। दोस्तों, ईशान कोण का मतलब पूर्व और उत्तर की दिशा। इस पौधे को हमें अपने घर में पूर्व और उत्तर की दिशा में लगाना है। दोस्तों, लगाने का दूसरा स्थान भी है, आप इस पौधे को अपने गेट के सामने भी लगा सकते हैं। अगर गेट के सामने लगाना हो तो आपको ऐसी स्थिति में लगाना है कि जब हम गेट से बाहर निकलेंगे, घर के बाहर निकलेंगे गेट से, तो उस समय ये पौधा हमारे दाहिने हाथ को पड़ना चाहिए। दोस्तों, कहते हैं कि अगर गेट पे निकलते समय दाहिने हाथ को पौधा पड़ता है तो जो घर के मालिक हैं उनकी उन्नति के लिए हर तरह से रास्ते प्रशस्त होते हैं। जिस काम में भी जाएंगे सब काम बनता जाता है। और अपराजिता का पौधा घर में होने से, अगर वास्तु के हिसाब से आप सही जगह पर लगाए हैं, तो घर में सुख शांति रहती है, परिवार के सभी सदस्यों में बहुत ज़्यादा प्रेम व्यवहार होता है। तो इस तरह से वास्तु के दृष्टि से भी ये पौधा महत्वपूर्ण है, बहुत ही लकी प्लांट है, धार्मिक पौधा भी है, पूजा पाठ में इस्तेमाल होता है, तांत्रिक लोग इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, इसका एक चीज़ और बता दें, इसका एक नाम शंखपुष्पी भी है। शंखपुष्पी नाम से एक दवा आती है जो ब्रेन टॉनिक का काम करती है, वो हमारे दिमाग को सोचने की और काम करने की तेज गति प्रदान करती है। तो इसका तरह तरह के दवा में भी इस्तेमाल किया जाता है। यह मेडिसिनल प्लांट भी है, हर्बल प्लांट भी है। इसकी पत्तियों को आप खा भी सकते हैं, खाने से कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, इस तरह से आगे हम आपको बताएंगे कि इस पौधे की केयर कैसे करें। देखिए, केयर करने में जो सबसे पहला काम है, तो यह पौधा लता टाइप का पौधा है और ये अपने बल पर खड़ा नहीं हो पाता है, तो इसलिए इस पौधे को रस्सी से, लकड़ी से या किसी पेड़ के सहारा की ज़रूरत होती है। ये देखिए, हमने एक लकड़ी दे करके और रस्सी लगा के पौधे को सीधा खड़ा किया है। तो पहला काम, हम इसको सहारा देंगे, ये अपने आप प्रॉपर वे में खड़ा नहीं हो पाएगा। जो दूसरा काम करेंगे, जो इसका गमला है, ये देखिए, जो भी खरपतवार गमले में पड़े होते हैं, तो इस तरह से खरपतवार को हमें निकाल लेना है। दोस्तों, खरपतवार साफ कर देंगे, इसके बाद हमको करना होता है इसकी गुड़ाई। ये देखिए, हम गुड़ाई कर रहे हैं और इसे कम से कम 15-20 दिन में एक बार गुड़ाई कर देना अच्छा रहता है। दोस्तों, इसकी जड़ें जो हैं पतली पतली होती हैं, बहुत ज़्यादा मोटी जड़ें नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी ये पौधा 2-3 साल में रूट बाउंड होता है। तो रूट बाउंड होने के बाद हमको इसको रिपॉटिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, देखिए, इस तरह से हमने इस गमले की मिट्टी को लूज कर दिया और जो जड़ें ज़्यादा हो गई हैं, तो साथ साथ हम इनकी प्रूनिंग भी कर देते हैं। इस तरह से जड़ों को मिट्टी से बाहर निकाल देते हैं। तो दोस्तों, पहला काम करेंगे खरपतवार साफ करेंगे, दूसरा काम करेंगे गुड़ाई करेंगे, इसके जड़ की प्रूनिंग कर देंगे, अगर ज़रूरत है तो इसकी रिपॉटिंग भी करेंगे। तो दोस्तों, बात आती है मिट्टी की। अगर आपको नया पौधा लगाना है तो मिट्टी किस तरह से तैयार करें, तो इसके लिए हम आपको बता देते हैं कि मिट्टी एकदम वेल ड्रेन्ड चाहिए, जल निकासी वाली मिट्टी चाहिए। ऐसी मिट्टी बनाइए जिससे होते हुए पानी गमले के ड्रेनेज होल से आराम से बाहर निकल जाए।
अब आपको अगर जल निकासी वाली मिट्टी बनाना है तो आप हमारी सलाह के हिसाब से 50% नॉर्मल मिट्टी ले सकते हैं या गार्डन की यूज की गई मिट्टी ले सकते हैं, उसमें आप 30% कोई भी खाद मिला दीजिए। इसमें केमिकल खाद देने की ज़रूरत नहीं है, गोबर की खाद मिला दीजिए, वर्मी कंपोस्ट, किचन वेस्ट, पत्तों की खाद, जो भी कंपोस्ट खाद आपके पास उपलब्ध है 30% खाद मिलाइए। बाकी जो 20% बचता है 20% में आप कोकोपीट मिलाइए, बालू मिलाइए और धान की भूसी मिलाइए, आपके पास जो भी अवेलेबल हो सामान उसको मिला दीजिए। इस तरह से आपको वेल ड्रेन्ड मिट्टी तैयार कर लेना है। दोस्तों मिट्टी वेल ड्रेन्ड तैयार करने के बाद समय समय पे पौधा लगाने के बाद भी कुछ खाद देते रहना है। ये देखिए हमने अपने पौधे को, ये मेरा एक साल पहले का पौधा है, तो अभी हम इसमें डालेंगे फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र वही ऑर्गेनिक डालेंगे। ये देखिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में हमने ये सड़ी हुई गोबर की खाद लिया है, सड़ी हुई गोबर की खाद। अब इस गोबर की खाद की ये देखिए करीब इतनी मात्रा, ये 250-300 ग्राम के आसपास खाद अपने हम इस गमले में चारों तरफ डाल देंगे। और दोस्तों इस तरह से गोबर की खाद 3 महीने में एक बार डालेंगे, बार बार खाद नहीं डालना, 3 महीने में एक बार गोबर की खाद डालिए, 3 महीने में एक बार खाद डालना पर्याप्त है। ये गोबर की खाद डालिए और इसके साथ में अगर आप ये देखिए दोस्तों, देखिए मेरे हाथ में ये नीम खली है और प्लस सरसों की खली है, तो हम इसमें 2 चम्मच की मात्रा नीम खली और सरसों की खली डाल देंगे। नीम खली से एनपीके वैल्यू हमारे पौधे को मिल जाएगा, नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस, जो कि पौधे की ग्रोथ के लिए, इसमें फूल आने के लिए, फल आने के लिए, इसके लिए ज़रूरी है। और जो नीम खली डालेंगे तो नीम खली डालने से ये मिट्टी हमारी इंसेक्टिसाइड हो जाएगी और इसमें किसी तरह के इंसेक्ट का असर नहीं होगा। तो दोस्तों इस तरह से इस गमले में हम ये सरसों की खली और नीम खली डाल दिए। दोस्तों प्रॉपर मिट्टी बनाने के कई वीडियो मेरे YouTube में मौजूद हैं और आप मेरे प्लेलिस्ट में जा कर के मिट्टी बनाने की विधिवत जानकारी आप ले सकते हैं। फिर भी हमने शॉर्ट में आपको मिट्टी बनाने की जानकारी दे दिया। इस तरह से खाद डालने के बाद हम इसकी कर देंगे गुड़ाई। दोस्तों बात आती है इसके मिट्टी के पीएच की, तो हम आपको बता देते हैं कि अपराजिता के पौधे को सही ढंग से ग्रोथ करने के लिए मिट्टी का पीएच 6 से लेकर के 7.5 तक, क्योंकि 7 ये न्यूट्रल पीएच होता है, तो कुछ इसके नीचे आएंगे 6 तक तो ये अम्ली है और 7 से ऊपर जाएंगे तो क्षारी है। तो कुछ अम्ली और कुछ क्षारी मिट्टी भी चल जाती है इसको उगाने के लिए। तो ये बात हो गई पीएच की। बात करें धूप की, टेम्परेचर की, तो दोस्तों इस पौधे को प्रॉपर सनलाइट चाहिए। इस पौधे को अच्छा फूल आने के लिए कम से कम 6 घंटे से लेकर के 8 घंटे तक धूप में रखिए। जब आप धूप में रखेंगे तभी आपका पौधा अच्छी तरह से फ्लावरिंग करेगा। तो 3 महीने में एक बार गोबर की खाद, नीम खली और सरसों की खली डालेंगे और हर महीने इसमें कोई ना कोई महीने में एक बार कोई लिक्विड खाद डालेंगे, और वो भी मतलब पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र डालेंगे। इसमें हम डाल सकते हैं चाय के पत्ती का लिक्विड या ओनियन पील लिक्विड फर्टिलाइज़र, प्याज के छिलके का या बनाना पील फर्टिलाइज़र लिक्विड, केले के छिलके का, जो भी अवेलेबल हो महीने में एक बार डाल देंगे। इसको पोटेशियम मिलता रहेगा, 3 महीने में एक बार ये एनपीके वैल्यू मिलती रहेगी, 3 महीने में एक बार कीटाणुनाशक नीमखली मिल जाएगी, आपका पौधा एकदम से मेरे पौधे की तरह से हरा भरा रहेगा। ये देखिए इसमें बहुत सारी फ्लावरिंग होती है, आप फूल देख सकते हैं कितना सुंदर फूल खिले हैं। और ये तमाम फूल, क्योंकि इसके फूल धूप में रहते हैं और बहुत देर तक, बहुत दिन तक नहीं टिकते हैं, तो तमाम फूल देखिए सब खिल के सूख भी चुके हैं। तो इनको हम इस तरह से जो फूल सूख जाते हैं इन्हें इसे काट के बाहर निकाल लेते हैं। दोस्तों आगे अब हम आपको बताएंगे कि इस अपराजिता के पौधे को किस तरह से ग्रो करें। तो दोस्तों इसका 3 रास्ता है। सबसे पहला, सबसे आसान रास्ता है कि आप नर्सरी में जाइए, 20-25 रुपये में पौधा मिलता है, एक स्वस्थ पौधा बढ़िया देख के किसी भी नर्सरी से ले लीजिए। अगर आप नर्सरी नहीं जाना चाहते हैं, अपने घर में उगाना चाहते हैं, तो आपके किसी दोस्त मित्र के यहाँ अपराजिता का पौधा होगा तो वहाँ देखिए इस तरह से इसमें फली लगती है। ये देखिए ये फल लगा है और इस फल में बीज होता है। अब ये देखिए इसको हम यहाँ से तोड़ के निकाल रहे हैं,
ये देखिए दोस्तों, हमने फली निकाल लिया। अब इसका हम सावधानी से बीज निकाल लेंगे। दोस्तों देखिए, इस फली में ये अपराजिता के 3 बीज निकले हैं और हम इस बीज को ग्रो करेंगे। तो इसके लिए हम अलग गमला नहीं फंसाएंगे, हम ये अपने इसी गमले में, जो अपराजिता का गमला है, ये हम अपने तीनों सीड को इस तरह से 1 इंच की गहराई में लगा देंगे। देखिए, एक बीज लगा दिए, दूसरा बीज यहाँ लगा दिए और तीसरा बीज ये यहाँ लगा दिए। दोस्तों ये सीड जो है, इसका बीज 15-20 दिन में जर्मिनेट हो जाता है, और जब पौधा ये जर्मिनेट हो जाएगा, थोड़ा 1-1.5 महीने का हो जाएगा, तो उस समय हम इस पौधे को निकाल करके किसी अन्य गमले में शिफ्ट कर लेंगे। दोस्तों इसके बाद इसका तीसरा तरीका, पहला तरीका नर्सरी से आप लाए, दूसरा तरीका इस तरह से बीज से ग्रो कर लिए, और तीसरा तरीका है कि आप इसका कोई भी टहनी काटिए। ये देखिए, हम इस तरह से इसकी एक टहनी काट के निकाल लिए, और दोस्तों इसके ये नीचे की पत्तियों को साफ कर देंगे। और दोस्तों देखिए, ये बहुत बढ़िया कटिंग हमने लिया है, और इसका जो है कम से कम 3-4 इंच का जो नीचे वाला भाग है, इसको इस तरह से ये देखिए गमले में ऐसे लगा देंगे। दोस्तों इसमें जड़ बनने में 1-1.5 महीना लग जाता है, ज़्यादा बेटर बीज से उगाना है, नर्सरी से ख़रीद के लाना है, लेकिन इसकी कटिंग भी लग जाती है, आप कटिंग से भी उगा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने अपराजिता के विषय में सभी जानकारी, करीब करीब पूरी जानकारी देने की कोशिश किया। दोस्तों हम समझते हैं कि यह वीडियो आपके काफ़ी काम का होगा, और इसमें से काफ़ी जानकारी आपको मिली होगी। तो दोस्तों आगे अभी हम बताएंगे कि इसमें क्या काम करना है। दोस्तों खाद डालने के बाद पानी डालना ज़रूरी होता है, तो इसमें हम डाल देंगे पानी। ये देखिए, ये हमने पानी डाल दिया। अभी हमको 3 महीने तक इसमें दोबारा कोई भी कंपोस्ट खाद डालने की ज़रूरत नहीं है, महीने महीने इसमें लिक्विड खाद डालेंगे। तो दोस्तों अंत में हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर यह वीडियो मेरा आपको अच्छा लगा हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन की घंटी को ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि कोई नया वीडियो डालने पर आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अन्यों को शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आगे फिर किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद।